रेडी की तरह मैं आज बहुत ही खुश हूँ ये देख के कि आज पहली बार इंडिया और पाकिस्तान का एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का एक मैच हो रहा है जो आज मुमकिन हो रहा है। इससे मुझे लगता है कि एक चीज़ तो ज़रूर हुई है, हमारी फ्रेंडशिप ज़रूर गहरी हो जाएगी क्योंकि बहुत से मनमुटाव आ चुके थे हमारे इंडिया पाकिस्तान के बीच, आज भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अब हमारी फ्रेंडशिप ज़्यादा से ज़्यादा गहरी हो पाएगी। मैं को ये खुशी भी हो रही है कि मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारे कंट्री का हर देश हमारे साथ आए और हम भी उनके कंट्रीज़ में जाए और खेलें। बाकी कंट्रीज़ हमारे देश में आना नहीं चाहती बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, लेकिन मुझे कहने पे बड़ा खुशी हो रही है कि कल 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे था तो प्रधानमंत्री जी ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है जिससे कि 2016 तक तो कुछ बिल्डिंग्स और 2018 तक तो होल इंडिया हमारा एक्सेसिबल हो जाएगा। तो शायद हमारे जो दूसरे देशों के भाई बहन जो भी लोग आएंगे वो शायद बाद में कभी कतराएंगे नहीं कि नहीं हम इंडिया नहीं जाना चाहते या हम वहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आई थिंक 2016 के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा और हमारी दोस्तियाँ और भी गहरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।